नमस्कार, वेद दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ईद से पहले राजधानी दिल्ली में आतंकियों के घुसने की खबर, हाई अलर्ट जारी। नासकॉम का अनुमान, चालू वर्ष में 1.5 लाख लोगों को मिलेगी आईटी क्षेत्र में नौकरी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 6 घंटे की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। दार्जिलिंग में 11वें दिन भी गोरखा आंदोलन जारी, विमल गुरुंग पर हत्या का मामला दर्ज, आंदोलन से 150 करोड़ का घाटा। कांग्रेस से नाराज शंकर सिंह बघेला ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ विमान में किया दिल्ली तक का सफर। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए बनेंगे 70,784 और मकान। पाकिस्तानी गजल गायक मेहंदी हसन की कब्र का बुरा हाल, बेटे आरिफ हसन ने मांगी नरेंद्र मोदी से मदद। इराक में लोगों को भागने से रोकने के लिए बच्चों को निशाना बना रहे हैं इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन के साथ अमेरिका के बेहतरीन संबंध हैं। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने इराक की प्रसिद्ध नूरी मस्जिद को उड़ाया। ये थी आज की खास खबरें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।